क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडे एक बार पुनः शुक्र विशेषांक सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, अब तक आप सभी दर्शकों ने हमारे पिछले कार्यक्रम में देखा, शुक्र प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक यदि किसी के कुंडली में बैठते हैं तो क्या शुभ प्रभाव मिलता है, या फिर क्या अशुभ प्रभाव मिलता है, या फिर क्या मिश्रित प्रभाव मिलता है। अब आज बात करेंगे, यदि आपके कुंडली में शुक्र दशम भाव में स्थित हो तो आपको क्या कुछ शुभ प्रभाव या मिश्रित प्रभाव या फिर अशुभ प्रभाव भी मिल सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले इस बात को समझे कि दशम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है, करियर का भाव होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या बिजनेस करेंगे, व्यापार में लाभ होगा या नुकसान होगा, इन सभी बातों को देखने के लिए, व्यापार यदि अच्छा होगा तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र दशम भाव है। और दशम भाव में यदि शुक्र बैठा हो और आपका लगन मेष लगन की कुंडली हो या फिर वृषभ लगन की कुंडली हो या मिथुन लगन की कुंडली हो या फिर सिंह कन्या एवं मकर लगन की कुंडली है और दशमस्थ शुक्र हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में आपको लाभ मिलने के संकेत दिखते हैं। वहीं यदि आपके कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में कर्क लगन की कुंडली बनती है या फिर आपका तुला लगन है या फिर आपका कुंभ लगन का कुंडली है तो आपको शुक्र मिश्रित प्रभाव दे सकता है। यहां पर एक बात फिर से आपको समझना है कि शुक्र यदि शुभ फल आपको प्रदान करवाएगा तो ऐसे जातक जातिकाओं के जो तीव्र बुद्धि का विकास करने में ये शुक्र काफी ज्यादा सहायता करवा देता है। रंग रूप काफी सुंदर होता है और ऐसे जातक उच्च व्यवसायिक शिक्षा के लिए यदि प्रयास करते हैं तो सफल होते हैं, जैसे कि BBA, CA, BTech, MTech या फिर बिजनेस मैनेजमेंट या फिर कोई आप बोल सकते हैं स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कोई भी पढ़ाई, होटल मैनेजमेंट या CA, ऐसी कोई भी पढ़ाई यदि करते हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिलने के चांसेस दिखते हैं, उच्च पदों पर आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं, यहां तक कि आपका हृदय काफी उदार होगा और आप काफी परोपकारी भी रहने वाले हैं। अपने सिद्धांतवादी एवं जनहितकारी नीति एवं ईमानदार छवि के लिए आप समाज में काफी लोकप्रिय रहेंगे और अपने निज पुरुषार्थ के बल अर्थात कि अपने खुद के पुरुषार्थ एवं योग्यता के बल पर आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति होने के संकेत दिखते हैं। आपको यदि देखें तो आवास का सुख हो या फिर वाहन का सुख हो या फिर किसी भी प्रकार के सुख साधन जो प्राकृतिक हो या फिर आज के समय में व्यवहारिक सुख आपको चाहिए, वो सभी सुख आपको प्राप्त होने के संकेत दिखते हैं। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत भी दिखते हैं। यहां आप मानवता एवं लोक हितकारी कार्यों के लिए भी काफी हद तक आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और ऐसे जातक खास करके जिसके दशम भाव में शुक्र स्ट्रांग हो तो कंप्यूटर्स के क्षेत्र में या फिर
संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मीडिया जगत के क्षेत्र में, गायन कला के क्षेत्र में, नृत्य कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे अपने दम पर निकल सकते हैं। यहां पर आपको और एक बात ध्यान देना है कि शुक्र यदि खास करके बुध के साथ विराजमान हो जाए, बुध और शुक्र का मिलन हो जाए, तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। ऐसे में बुध और शुक्र के मिलन से आपको अनेक प्रकार से धन अर्जन के योग बनेंगे, कई प्रकार से आपके धन आने के चांसेस बन जाएंगे और आपके पास कभी जीवन में पैसे की कमी हो सकता है ना हो, यदि कुंडली में बाकी कोई अशुभ ग्रह आपको अधिक प्रभावित नहीं कर रहा हो। तो एक विशेष रूप से आप लोग समझे कि दशम भाव में शुक्र यदि शुभ है तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिकल पोजीशन अर्थात की आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी होगी। माता का सुख हो, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, भूमि का सुख हो, जायदाद का सुख हो, इन सभी सुखों में आपको काफी ज्यादा सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखते हैं। यहां तक कि आपके साथ स्त्री परिवार या स्त्री कुटुंब के परिवारों का सहयोग मिलेगा, अर्थात कि आपकी पत्नी या फिर उनके परिवार ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है और आपको अनेक प्रकार के सुख साधनों की इस वर्तमान समय के अनुसार कमी नहीं होगी। लेकिन यदि शुक्र अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो, नीच का ना हो, शत्रु राशि में ना बैठा हो या फिर किसी अशुभ दृष्टि से प्रभावित ना हो। अब एक बात और ध्यान दें कि यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न है प्रथम भाव में, अर्थात कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है या फिर धनु लग्न की कुंडली है या मीन लग्न के आप जातक या जातिका हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र कुछ दशम भाव में बैठने से अशुभ फल भी कर सकता है। और यदि शुक्र अशुभ फल दे तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अच्छी शिक्षा होने पर भी कई बार हो सकता है काम ना आए, यहां तक कि इंटरव्यू देने के लिए आप जाएं तो आप जो पढ़ के गए हो सकता है वो सवाल आने के बावजूद भी आप उस वक्त उसका जवाब सही तरीके से ना दे पाए। एक और बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, कार्य व्यवसाय में आपको बार बार फिर विघ्न बाधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में या फिर माता पिता को कोई परेशानी भी हो सकती है। जिन जिन चीजों से शुक्र के शुभ होने से आपको लाभ मिल रहा था उन सभी चीजों में कमी हो सकती है, जैसे कि मकान का सुख, वाहन का सुख या फिर किसी भी प्रकार के सुख जो अभी आपने शुक्र के शुभ होने पे देखा, उन सभी चीजों में कमी हो सकती है। आपके कार्य व्यवसाय में भी अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। स्त्री एवं कुटुंब की ओर से भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। धन की स्थिति में आपको काफी ज्यादा समस्या देखने को मिल सकता है। हो सकता है आय के मुकाबले आपका व्यय अर्थात कि इनकम के मुकाबले आपका एक्सपेंस अधिक बढ़ जाए। कुल मिलाकर शुक्र दशम भाव में यदि शुभ अवस्था में है तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में अशुभ होकर बैठे हो या फिर किसी अशुभ ग्रहों के साथ युति करके बैठे हो या किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र पर जा रहा हो और शुक्र आपका कमजोर हो रहा हो, तो ऐसे में आपको नुकसान होने के संकेत भी दिखते हैं। यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि शुक्र आपके जन्म कुंडली में यदि पीड़ित होता है तो कम से कम स्त्रियों का सम्मान करें, माता का सम्मान करें, माँ दुर्गा का पूजन करें, माता लक्ष्मी की पूजन करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। विशेष शुक्र संबंधित उपाय आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं शुक्र की सीरीज में। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र किस प्रकार का है, शुक्र के अलावा भी कोई भी ग्रह का कंडीशन क्या है, कौन से दोष लगे हैं जैसे कि मांगलिक, काल सर्प या कौन से अच्छे योग लगे हैं, यदि किसी भी प्रकार की अपनी कुंडली से संबंधित समस्याओं का समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का संपूर्ण एनालिसिस करवा के कुंडली दर्शन करना चाहते हैं, तो नंबर्स हैं आपके स्क्रीन पर। और इसके साथ ही यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको रात में प्रतिदिन
रात्रि के 8 से 10 के बीच में कभी भी एक लाइव कार्यक्रम आता है, उसमें आप अपना कोई भी एक सवाल डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस देकर पूछ सकते हैं और आपको लाइव में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। शुक्र एकादश भाव में यदि बैठे हो तो क्या कुछ परिणाम मिलेगा उस कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।